नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस पर देश को बोलना जरूरी है, क्योंकि मुद्दा जुड़ा है आपसे, हमारे इस देश से और देश के इस परिस्थिति से, जो राजनीतिक मुद्दा होने के कारण इस पर अब देश हित से ज्यादा राजनीति हो रही। जी हाँ, हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं, क्या देश भर की नदियों को जोड़ना चाहिए। जिस मुद्दे पर स्वतंत्र पूर्व काल से इस पर चर्चा होती रही है और कई सरकारों ने संसद से लेकर कई जगह पर इस विषय पर बात की, बल्कि सरकार ने निर्णय किया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने निर्णय किया कि देश की नदियां जोड़ी जाएगी, लेकिन उसके बाद आई इस मनमोहन सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। अतिरिक्त खर्चा और पर्यावरण की बात कहकर इसको टाला गया। अब देश में ऐसी स्थिति है कि एक तरफ सूखा है जहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, तो दूसरी तरफ बाढ़ के कारण लोग मरते हैं। यह अब की नहीं, यह सालों साल की स्थिति है, क्योंकि इतने बड़े खंड प्राय देश में ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन निसर्ग में संशोधन करके या नैसर्गिक संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करके, जैसे हमने पानी को एक जगह से दूसरे जगह लेके गया है, वैसे कई देशों में नदियों को जोड़ने का भी काम हुआ है। भारत में यह संभव ही है, और संभव ही नहीं, इसकी अति आवश्यकता भी है। ऐसा होने के बावजूद भी इसको क्यों नहीं किया जा रहा? अगर पैसे का कारण है तो भारत में फ्लाईओवर इतने महंगे बन रहे हैं जिसकी आवश्यकता हम मानते हैं, दूसरी तरफ हम रोजगार के लिए मनरेगा ला रहे जिसमें इतना करप्शन हो रहा है। अगर इस देश के लोगों को काम देना है, यहां के संसाधनों को काम देना है, बढ़ाना है, तो ऐसे योजना में क्यों नहीं यह चर्चा हो रही है? इस योजना के बारे में कई कल्पना है। मैं तो बचपन से इसको सुनता आया हूं और मुझे बचपन से यह लगता है कि अगर नदी जोड़ने की कल्पना कोई सरकार अपने हाथ में वास्तव स्वरूप में लेना चाहे तो इस देश का व्यक्ति श्रमदान भी कर सकता है। बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े आध्यात्मिक परिवार इस देश में है, उनको कहा जा सकता है कि फलाना पोर्शन आप श्रमदान से करिए, और इसके लिए जरूर कई लोग आके आएंगे, क्योंकि भगीरथी है जिसने इस देश में गंगा लाई। ऐसे अद्वितीय काम, असंभव काम करने का यहाँ का मानस है, स्वभाव है और चरित्र है। इसका अगर सही तरीके से राष्ट्र हित में उपयोग किया जाए तो यह संभव हो सकता है। क्या कहना है आपका? सरकार तो इस विषय पर राजनीति करे कि इस योजना को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं अटल बिहारी वाजपेयी को इसका क्रेडिट न मिल जाए। या कई बार ग्रामीण क्षेत्र में भी किस्सा सुनने को मिलता है कि जब सूखा पड़ता है तो सबसे ज्यादा नेता और बाबू खुश होते हैं, क्योंकि सूखे के नाम पर जो फंड आता है उसमें करप्शन करना बहुत आसान है। क्या सूखा ऐसा ही बना रहे? क्या बाढ़ ऐसी ही बना रहे? और क्या देश के जनता के हालात ऐसे ही रहे? ऐसा तो नहीं कोई शक्ति चाहती? आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, facebook.com/sudarshan news और हमारी वेब पोर्टल www.sudarshannews.com पर अब इस कार्यक्रम को देखते हुए अपनी राय को रख सकते हैं। आइए, आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। नहीं उछलूंगी, सूख गए कंठगर मेरे, तो बंद बोतल नीर का पता मैं पूछ लूंगी, कितनी लाशों और कितने ढेर को कब तक मैं संभालूं और क्यों? अधमरी तो हूँ मैं सालों साल से, उम्मीद बनती ही नहीं है, सुध मेरी लो, और कुछ भी नहीं लूंगी तुमसे, मैं नदी हूँ, मैं नदी हूँ। जी हाँ, ये एक नदी का दर्द है जिसकी पीड़ा को आज हम सब ने भुला दिया है, जिस नदी ने हमारे देश की नाम और विरासत को नई पहचान दी, जिस नदी के नाम के आश्रय से ही हम सब की पहचान दुनिया के देशों में हुई, आज हमने उसे भुला दिया है, जिसे कभी अंग्रेजों ने इंडस नदी के नाम पर हमारे देश को इंडिया कहा, तो दूसरी ओर देश प्रेमियों ने हिंडन के नाम पर इसे हिंदुस्तान कहा, मगर आज नदी अपने वजूद को बचाने के लिए तड़प रही है। देश के उत्तर की नदियों को दक्षिण की नदियों से जोड़ने का पहला प्रस्ताव 1970 में पेश किया गया था। सूखी हुई नदियों की इसी तड़प को तरलता देने के लिए इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ने कई बार जी तोड़ प्रयास किए, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। भीषण सूखे के बाद नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके लिए विशेष दल का गठन किया था।
5,00,000 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना थी, जिसे 2016 तक पूरा किया जाना था, मगर आज भी जमीनी हकीकत कोसों दूर है। 30 नदियों को आपस में जोड़ने की योजना इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश में नदियों को जोड़ने संबंधी महत्वाकांक्षी परियोजना पर समयबद्ध तरीके से अमल करने का निर्देश भी दे चुकी है। ये योजना 1980 में विकसित हुई नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान का सुधरा हुआ रूप है। इस योजना का मकसद था सहायक नदियों के पानी को इकट्ठा कर सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करना। आज ये परियोजना लागू हो गई होती तो महाराष्ट्र में भीषण सूखे से कुछ हद तक निजात पाई जा सकती थी, साथ ही बिहार जैसे राज्यों को हर साल बाढ़ से होने वाली माल जाल की क्षति से भी बचा जा सकता था। मगर अब तक यूपीए सरकार इस परियोजना को लागू करने के बजाय इसके ऊपर कुंडली मार कर बैठी हुई है। सरकार इस परियोजना को लागू करने में हुई देरी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हवाला दे रही है। सरकार का कहना है कि गंगा नदी के पानी के बंटवारे के बारे में दिसंबर 1996 की भारत बांग्लादेश के बीच समझौता भी हुआ था। अगर गंगा का पानी दूसरे नदियों की ओर मोड़ा गया तो इस संधि की शर्तों को कैसे पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना को लेकर सिर्फ आर्थिक पक्ष ही नहीं है, बल्कि उसके साथ सामाजिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक मुद्दे भी जुड़े हैं, जिससे परियोजना को लागू करने में अड़चनें आ रही हैं। साथ ही पड़ोसी देश के बीच जल विवाद का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। राज्य भी इस परियोजना को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। ओडिशा इसे मानने को तैयार नहीं है। आंध्र प्रदेश भी अपना कदम आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। विदेशी पूंजी पर चलने वाली कई एनजीओ भी स्थानीय निवासियों के विस्थापन के मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं, जिसके कारण राज्य सरकारें भी हिचकिचा रही हैं। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को विनाशकारी विचार कहकर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये योजना देश के पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। भारत की सत्ताधारी पार्टी के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के इस बयान से प्रभावित होकर तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इसे मानव, आर्थिक और पारिस्थितिक विनाश बताया था। केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये योजना दलगत राजनीति की भेंट चढ़ गई और नई सरकार को पुरानी सरकार के फैसले में खोट दिखाई देने लगा। मगर एक बार फिर से इस परियोजना ने सबका ध्यान खींचा है, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या देश की सारी नदियों को एक साथ जोड़ा जाए। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आपको बेखौफ होकर बोलना होगा। भले ही आप किसी भी राजनीतिक दल से हो, लेकिन ये मुद्दा देश हित में है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो अपनी राय रखिए। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हबड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ, आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि नदियों को मिलाने का कार्यक्रम 1960 में प्रथम बार इसके बारे में सोचा गया, क्योंकि भारत की 65% जल धारा जो है वह समुद्र में जाकर और बेकार हो जाती है। लेकिन यह जो है भ्रष्ट नेताओं ने और नौकरशाहों ने, जो जिनका सूखा और बाढ़ में जिनकी घोटाले होते हैं, उन्होंने इस घोटाले को कायम रखने के लिए इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने दिया। और धन की भी कमी नहीं थी, जब चाइना जो है अपने सारे प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अपने संसाधनों, जल के संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग कर रहा है कि उसके एक भी जल, जिसे ब्रह्मपुत्र की नदी के ऊपर जो बांध बनाया जा रहा है, वह जो है भारत को नहीं दे पा रहा है जल। आज ऐसी स्थिति हो गई, भारत में पूरे विश्व की 17.5% आबादी रहती है और जल संसाधन में भारत की हिस्सेदारी पूरे विश्व में 4.3% है, जबकि चीन की विश्व में पूरी आबादी 19% है और जल की हिस्सेदारी 6.6% है। तो आज भारत की नदियों का 65% जल समुद्र में जाकर नष्ट हो जाता है। आज भारत के 40% कृषि योग्य जमीन सिंचित नहीं हो पाती और वह मानसून के ऊपर निर्भर रहती है। तो आज हर व्यक्ति को, हर राजनेता को यह प्रथम दृष्टि से देखना होगा कि जो है आज हमारा कोई भी भूभाग जो सिंचित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमारा अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आज जो है
भारत की 30% जनता जो एक समय ही खाती है, इसके लिए सरकार ही दोषी है, क्योंकि उसके पास कार्य क्षमता रहते हुए, सारी चीजें रहते हुए भी वो उस चीज का प्रयोग नहीं कर पा रही है। धन्यवाद। ये बिंदास की विशेषता है। हमारे कॉलर देखिए कितने प्रबुद्ध है, कितनी जानकारी के साथ वो इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और यही मंथन है जो देश में एक नई दिशा, ऊर्जा और चिंतन का विषय सामने रखता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार चौहान जी, मैं ग्वालियर से मनीष बोलिए बोल रहा हूँ। और ये जो नदियों को जोड़ने का अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो ड्रीम प्लान है, इसको तो सबसे पहले पूरा होना चाहिए था, लेकिन इत्तेफाक से कांग्रेस गवर्नमेंट इसको पूरा नहीं कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले तो इसे बिहार और असम से लेकर महाराष्ट्र तक जोड़ने का जरूरत है। पूरे देश में तो जब जोड़ेगा तब जोड़ेगा, इसको हम बाद में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन असम से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक इसको जोड़ने की भी सख्त जरूरत है। सबसे पहले इसको बिहार और महाराष्ट्र में जोड़ा जाना चाहिए, ना कि पूरे देश में, ताकि लोगों को लगे कि ये योजना कितनी कारगर है और इसके द्वारा कितने फसल जो बर्बाद हुई है उसको बचाया जा सकता है। मेरा तो मानना है कि सबसे पहले शुरू होना चाहिए और महाराष्ट्र से बिहार के बीच में सबसे पहले जहाँ शुरू होना चाहिए, जहाँ सूखा और जहाँ बाढ़ आती है। धन्यवाद। हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में इसकी योजना कैसी रहे और कहाँ पहले प्राथमिकता हो, कहाँ दूसरी प्राथमिकता हो, इतने टेक्निकल पॉइंट में नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस पर प्रिंसिपली देश इसका महत्व समझे, सैद्धांतिक तौर पर हम इस विषय के साथ पूरे देश को खड़ा करें, माहौल बने और सरकार से इसकी मांग हो। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं दलजीत सिंह बोल रहा हूँ अमृतसर से। हाँ, ये जो नदियां जोड़ने का काम है, दरअसल वाकई में बहुत अच्छा काम है। मैं पंजाब की बात करूं तो जहां पर भी पानी का लेवल, जो सबसोइल वाटर लेवल है, बहुत नीचे जा रहा है, इसको ऊपर जो मेंटेन करने के लिए, लोगों की जो जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमारे जहां ब्यास सतलुज नदी चलती है, वो हरीके में एक साथ जुड़ जाती है। हाँ। हरीके दरिया हमारा हेडवर्क्स है और इसको ब्यास दरिया को माधोपुर से लिंक किया हुआ है, एक एमबी लिंक नहर है। ऐसे हम चाहते हैं कि सारे देश में जहां जहां भी नदियां जोड़ी जा सकती हैं, आपस में जोड़नी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, मैं केडी पांडे झांसी से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं कहता हूँ देश की सभी नदियां लगभग उत्तर से पूर्व की ओर बहती हैं और नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर तथा कावेरी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऐसे में ये नैसर्गिक ढलान और कैसे जोड़ा जा सकता है, मैं ये सोचने में रहता हूँ कि ये कहीं एक मुगेरीलाल का सपना ना साबित हो। इसमें तमाम पहाड़ काटने पड़ेंगे और साइफन बनाने पड़ेंगे, ऐसे में निचले क्षेत्रों में पानी भर जाएगा और उनके डूबने की आशंका हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए बहुत बड़ी एक वैज्ञानिक योजना बनानी पड़ेगी। इससे पहले तालाब, झरने, तालाब, झीलें और बांधों का निर्माण करना बहुत जरूरी हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। इसको तकनीक के आधार पर आज क्या असंभव है, हम चांद पर जाने की बात करते हैं। कई लाख साल पहले भगीरथ ने इस धरती पर गंगा को तो लाया ही था ना। भगीरथ प्रयास के बगैर असंभव चीजें संभव नहीं होती, इसलिए इसको दोबारा करना जरूरी है। अगले कॉलर। वाजपेयी जी ने तो पूरा प्लान बना के दिया था, लेकिन ये सरकार ने आते खारिज कर दिया उसको। अब सवाल ये पैदा होता है, पानी तो इस समय सबको ही चाहिए, अगर ये है नहीं तो समुद्र इतना बड़ा पड़ा है, उसमें क्यों नहीं प्लांट लगाया जाता? उस समुद्र के पानी को मीठा करके सब जगह पहुंचाइए। महाराष्ट्र में तो कम से कम जा सकता है और ये इजराइल को देखिए, इस तरह उसके पास कुछ नदी नहीं, कुछ नहीं, इसी समुद्र से पानी मीठा होता है, बता रहे कि नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते? ये सरकार रहेगी तो कभी नहीं कर सकता। अगर आप करना है तो खुद करिए। धन्यवाद। हाँ, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए, दुनिया भर के कई देशों से भारतीय लोग इस विषय पर अपने विषय को रखने के लिए कितने आतुर हैं और कितने मुद्दे जोड़ना चाहते हैं। असंभव कुछ नहीं है, संभव हो सकता है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, MMS देखते हैं कि MMS क्या कहता है। हाँ बोलिए, बात करिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं असम से बोल रहा हूँ, बिमलेश भट्टाचार्य जी। हाँ जी, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं सुरेश जी, ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये हम लोगों का सबके लिए बहुत अच्छा है,
आज का दिन में ऐसा हो गया कि नदी को आप अगर देखेंगे तो नदी में भी बहुत मतलब ये घर और बन के एकदम पूरा भर रहा है देश का हर जगह पर। तो ये सब करने के लिए एक सरकार का जो मानसिकता और इच्छा शक्ति चाहिए वो हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली इसके लिए हम लोगों को इकट्ठा होके सरकार के ऊपर प्रेशर डालना है। तो आपका ये कार्यक्रम का माध्यम से मैं सारे देशवासी को यही बोलना चाहता हूँ कि हम इसके लिए कि ये सरकार इस विषय पर जागे, आगे बढ़े। देश के पर्यावरणवादी उनके दिमाग में अगर कोई इसमें भ्रम हो, देश की मांग समझ नहीं रहे हो, या जो भी इस विषय पर विरोध करने वाले विदेशी एजेंट संस्थाएं हो, एनजीओ हो, तो उसका भी भंडा फोड़ कर सामने आना चाहिए, क्योंकि ये देश संपन्न ना हो ऐसी प्लानिंग रखने वाले कई देश या कई संस्था है और वो ऐसे विषय में खास कर आगे आती है। हमें पेट्रोल की आवश्यकता है तो हम हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से हमारे पेट्रोल लाइन कर गुजर कर ला रहे गल्फ से। अमेरिका कितने दूर किलोमीटर, कितने किलोमीटर पाइपलाइन से पेट्रोल लेके जा रहा है। दुनिया के कई देश है जो समुद्र के पानी का भी उसका उपयोग करते हैं प्रक्रिया करके। तो हम हमारे यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। अगले कॉल जी। नमस्कार, मैं कटावन जी उड़ीसा से विनोद अग्रवाल बोल रहा हूँ। बोलिए विनोद जी। सर, मेरे को ये कहना है कि हमारी कोई भी सरकार आ, कोई भी सरकार जाए, किंतु हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नदी से नदी जोड़ने का जो मुद्दा रखा था, अगर ये सरकार भी उसको अगर करती तो बहुत अच्छी बात है। सरकार जो भी आती है और जाती है, किंतु जो सरकार अच्छी बात रखती है, दूसरी सरकार कोई भी आए उसको उसको ग्रहण करना चाहिए और देश के अंदर में अच्छा काम बढ़ाना चाहिए। अगर ये नदी जोड़ने का काम अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू किया था, तो मनमोहन सरकार अगर इसको काम चालू रखते तो आज हमारे देश के अंदर में जो बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, ये आज नहीं होता और देश के लिए बहुत अच्छा होता। जैसे हमारे छोटे छोटे गांव के अंदर पहले सरोवर थे, उस सरोवर के कारण कुएं के अंदर में पानी आता था और आज कुएं के अंदर में पानी, सरोवर खत्म होते जा रहे हैं, वहाँ बिल्डर लोग बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं और कुएं के अंदर पानी सूखते जा रहा है। तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने ये निकाला था, आज जैसे शहरों के अंदर में रोड खराब है किंतु उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क निकाली थी, तो आज देश के अंदर में ऐसी सड़कें बन गई है कि हमको शॉर्टकट से कहीं भी हम जा सकते हैं और शहर से लोग जाना बंद कर दिए। इसी प्रकार से अगर नदी भी जोड़ते तो आज देश के लिए बहुत अच्छा होता और ये कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, जो भी सरकार अच्छी चीज सोचती है वो अच्छी चीज के लिए हमारे को ये चीज करना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। फेसबुक पर आई हुई प्रतिक्रिया भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लोग अपने पोस्ट में क्या कह रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी, बोलिए। शायद इस देश में अंग्रेजों का शासन होता, नदियां तो क्या नाले भी जुड़ गए होते, दिल भी इससे बेहतर जुड़ गए होते। आजादी के बाद राम राज्य में डूबा राष्ट्र धीरे धीरे गांधी नहीं गांधीगिरी की भेंट चढ़ता गया। राष्ट्रीय हित तो दूर, परिवारवाद, दुराचार, भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता गया। 2002 अटल नीति राष्ट्र हित में नदियां सड़कें जोड़ने की बात प्रमुखता से चली तो थी, सड़कों को जोड़ा गया, लेकिन नदियों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच समझौता होना था। डैम बनाने के लिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते होने थे, जिससे कृषि, सूखा, बाढ़, अकाल, पानी, बिजली जैसी विकट समस्याओं का निरावरण होना था। 30 नदियों को जोड़ने की बात तो थी, अटल नीति सरकार में आते आते इंडिया साइनिंग के नारे की भेंट चढ़ गया। इसके बाद राष्ट्र गरीबी भगाने और गांधी जी के खोज में व्यस्त है, देश की संसद से शेरो शायरी में मस्त है। देखो अभी देश राष्ट्र हित में जागा तो है, देश का भविष्य हाथ में गांधीगिरी के फोल छोड़कर संसद की ओर भागा तो है। नमस्कार, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए जी। सर, मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ भी नदी है, लेकिन क्या है कि वहाँ का जो नेता लोग है उसको जो बहुत बदहाल बना करके रखे हुआ है, उसको भी जोड़ना जरूरी है। धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है, हम आपको पूछ रहे हैं। देखिए, जल स्तर का गिरना। जिन तराई क्षेत्रों में जल स्तर काफी अंदर था, आज वहां भी जल स्तर गिर रहा है। जल स्तर का गिरना एक तरह आने वाली भयावह त्रासदी का संकेत है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले वक्त में पानी के लिए ही तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे का कहर। हमारे देश में अलग अलग जलवायु हैं, ऐसे में अलग अलग तरह का मौसम होता है।
जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है वहां बाढ़ जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। वहीं जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है वहां लोग सूखे का शिकार होते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में कमी। जो क्षेत्र बाढ़ ग्रसित होते हैं वहां फसलें काफी हद तक खराब हो जाती हैं। इससे न सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन में कमी आती है बल्कि किसान भी बेरोजगार हो जाता है। ऐसे ही जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है वहां फसलें उगाना तो दूर, पीने का पानी तक नहीं मिलता, किसान बेरोजगार हो जाएगा। किसान को तो दोनों तरह से नुकसान होता है, बाढ़ भी उसकी फसलों को उजाड़ देती है तो सूखा फसलों के साथ साथ किसान को भी सुखा देता है। पानी के संकट का बढ़ना। आज भारत ही नहीं दुनिया में पानी का संकट सिर उठा रहा है। दुनिया के कई देश सूखे की चपेट में हैं। भारत के महाराष्ट्र में भी पानी के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमने पेट्रोल तो खत्म, जैसे पेट्रोल खत्म होने की दिशा में जा रहा है, भारत में पानी भी खत्म होने की दिशा में जा रहा है और हो सकता है कि आने वाली ऐसी कई झगड़े की जड़ दंगों में और आपसी विवादों में बढ़ जाए जो पानी के कारण होंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार शिरडी के लाल को सर। नमस्कार, सीपीओसी सलमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। आज के मुद्दे पर मेरा विचार यह है कि सबसे पहले मुद्दा श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के सम्मुख रखा। मैं यहाँ आपका ध्यान तीन विशेष मुद्दों की ओर आकर्षित करता हूँ। नंबर एक, ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने बांध बनाया। नंबर दो, गग्गर बरसाती नदी जो चंडीगढ़ से होते हुए राजस्थान के अनूपगढ़ के रास्ते पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान उस पानी का प्रयोग भी करता है और भारत को करोड़ों रुपए अर्जाने के रूप में देना पड़ता है। नंबर तीन, भ्रष्ट नेता कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि बाढ़ के नाम पर करोड़ों रुपए डकारना इनकी नियति है। मेरा विचार यह है कि सभी नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो किसी भी राज्य को सूखे का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। राष्ट्र में भी पानी के लिए लोग। हेलो, नमस्कार सूरज जी, बोलिए। आंकड़ों के मुताबिक जो है भारत में प्रति वर्ष जो है 4000 क्यूबिक किलोमीटर वर्षा होती है, जिसमें से जो है 690 क्यूबिक किलोमीटर वर्षा जो है, ये वर्षा का जो जल होता है इसको जो है जलाशय और बांध या फिर तालाब आदि बना के जो है संचित किया जाता है, जिसको सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाता है। जबकि 2000 क्यूबिक किलोमीटर जो पानी होता है वो जमीन के अंदर या पेड़ पौधे जल के माध्यम, जड़ों के माध्यम से ले लेते हैं या फिर वाष्प बन के उड़ जाता है। जबकि जो अहम चीज है 1310 क्यूबिक किलोमीटर पानी ये जो है नदियों से बह के समुन्द्र में जाके मिल जाता है, ये बंगाल की खाड़ी या फिर इधर इधर की ओर जाके मिल जाता है। अगर इस ओर ध्यान दिया जाए कि नहरों के द्वारा जो जितनी भी नदियां हैं उनको आपस में मिला दिया जाए तो जो 1310 क्यूबिक किलोमीटर पानी समुद्र में जाके बर्बाद हो जा रहा है, तो इसको जो है नदियों के माध्यम से सूखे स्थानों पर जो है पहुंचाया जा सकता है और सूखे से राहत मिल सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छे आंकड़े आपने दिए है। पहले भी एक कॉलर ने प्रतिशत में इसको कहा था कि 60% पानी हमारा समुद्र में जाके एक तरीके से खराब हो जाता है, लेकिन अगर उसको हम रूट कर दूसरे क्षेत्रों से लेके जाए तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी, जी मैं मस्कत से बोल रहा हूँ। चलिए, कॉलर का आवाज शायद नेटवर्क सही नहीं है। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही।